आज मैं जा रही हूँ, एक्चुअली फैमिली के साथ जा रही हूँ बहरिया टाउन। और मेरी तो कराची आई, कराची में इतने सालों से हूँ, मेरी पूरी फैमिली ने बहरिया टाउन देखा है और मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुम ज़रूर देखो, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। अब वैसे तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन से मैंने वहाँ पर घर लेना है या प्लॉट लेना है, तो मेरा कभी बना ही नहीं बहरिया टाउन जाने का, इवन फॉर एंटरटेनमेंट वाइज। तो अभी क्योंकि कज़न आई हुई है और उसको हम घुमाने लेकर जा रहे हैं एंड टुडे इज़ अ वीक डे, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, इस बार देख ही लेती हूँ। मम्मी लोगों की ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर एक बार तो ज़रूर जाऊँ बहरिया टाउन, देखूँ, मुझे बहुत पसंद आएगा। अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, पूरी दुनिया तो घूमी भी है ना, सब कुछ देख लिया है और हर चीज़, यू नो, बिन देयर डन दैट, USA घूम लिया, यूरोप घूम लिया, सब कुछ देख लिया, तो अब बहरिया टाउन भी वैसा ही होगा, उसी तरह से खूबसूरत होगा, दुबई की तरह होगा। सो मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं था, बट क्योंकि आज सारे जमा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, माइट इज़ वेल। और फिर कज़न चली जाएगी तो उसके साथ भी जो है वो अच्छा सा वक्त गुजर जाएगा, और प्लस रात में मुमानी हमें वहाँ पर डिनर दे रही है जिनसोय में। ओके है, ऑल सेट, सबको पिक कर रहे हैं हम, ये अलीजे भी है और अभी मम्मी को पिक करने जाना है ना। अच्छा जी, गिनी पीछे चली गई है, मम्मी आ गई है क्योंकि मामा ने आना है। नी मामू लोग, हेलो किड्स, ओह माय गॉड, गन सेव मी। आज है ना बहरिया, दुनिया की मुझे तो पूरा का पूरा दुबई लग रहा है, मैं दुबई में फिर रही हूँ, माई बर्थ प्लेस। सस्ते के अंदर घूम लो बहरिया टाउन दुबई का, पर घास पे चढ़ना बहरिया टाउन कराची भी ठीक है। गाड़ी रोके प्लीज, मुझे डाले में बैठना है। हाय पार्क है, देखिए छोटे छोटे विला स्टाइल बने हुए। मम्मी फाइनली आपकी एक बेटी जिसने नहीं देखा था आ गई बहरिया। बहुत अच्छा, दुबई जैसा। मैं भी आ रही हूँ। गाड़ी कौन चलाए? ओके ओके, अच्छा शायद देखो पकड़ा, शायद गाड़ी में। ये देखें जी, अंबर और अलीजे बैठे हैं उस गाड़ी में, और यहाँ पर ख्वातीन आ गई हैं, सीनियर ख्वातीन मेरी गाड़ी में आ गई हैं, और ये सीनियर मामा आ रहे हैं हमारे पास। लोग आए हैं वॉशरूम के लिए, यहाँ पे बहुत साफ सुथरे वॉशरूम है। चाय समोसे का ऑर्डर दे दिया है। आई थिंक खाए बहुत मजे के समोसे, काले आप खाएंगी पूरा देखिएगा। तो आधा फिर और ले लूंगी अभी फिलहाल। टी बॉयज, या गरम गरम चाय, पिकनिक हो रही है, यहाँ आके बैठो ना। ओके, ये पीकी वाली चाय है।
घास पड़ेगी ना, आलिया जी आप ऊपर जाओ, चप्पल ना टूटे। यू हैव गॉटन सच अ वेरी नाइस कैमरामैन। वो गिर गई मैं। दो समय से मुझे ओके आईफिल टावर ऐसा हो गया नहीं। अच्छा जी अब हम आए आईफिल टावर देखने। पेरिस आए हैं हम लोग, मिनी पेरिस बैरियर टाउन का सारे देखने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऊपर जाने के लिए टिकट्स हैं तो बेटा यूएसए से आई हुई कजन से पूछते हैं आर यू एंजॉयिंग लविंग इट सो फन। ये है टिकट प्राइसेस, एंट्रेंस एंट्री टिकट है 200 rupees। ये तो बहुत छोटी और ऊपर अगर जाना है इसके लिए है 1000। ये है औकात, इन औकात में आप आइए। गेस व्हाट, वेयर इन पेरिस, वेयर एक्चुअली इन मिनी पेरिस। और यहाँ पर बैरिया पे ये एक नई अट्रैक्शन है आईफिल टावर जो अपने रंग बदलता है। अब हम अंदर जा रहे हैं। कितना अच्छा आ रहा है। जी पिक्चर आई है। हम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं जैसे कि पेरिस में ही ना बैठे हुए हों। ये पीछे आईफिल टावर। और तस्वीर बस। अरे आईफिल टावर पीछे ले रही हूँ। और तस्वीर लो ना। We had a lot of fun. बहुत सारी तस्वीरें और छिछोरपना किया हमने। और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। और फाइनली एट चिंसोए। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें बाहर भी बैठने का है, अच्छी सी जगह बनी हुई है, काउचेस हैं। सब अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर बैठी हुई हूँ। बाहर अच्छा लग रहा है, काउचेस का सेटअप है, आराम से बैठे। सबसे अच्छा अगर जिनसोए का सेटअप है तो आई थिंक वो ये वाला है। इट्स ब्यूटीफुल बाय द वे। ये देखें, कुछ ना हो करने को और चाइनीज का मूड हो तो आप लोग लॉन्ग ड्राइव पर आए अपनी फैमिली के साथ और यहाँ जिनसोए चाइनीज इंजॉय करें। इट्स ब्यूटीफुल रियली, ऐसा लग रहा है कि थाईलैंड में कहीं आए हैं। मेन्यू डिसाइड हो रहा है कितना मंगवाना चाहिए। चिकन है ना, ला रहे हैं।